हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 20। अरुणा जी को जैसे ही दर्श ने पैसे दिए वो तो उनके मुंह में बावली होकर अंदर की ओर बढ़ गई, बिना दर्श पर या रिवा और रिमा जी पर ध्यान दिए। लेकिन वहीं दर्श ने सीधा वंश को फोन लगाया और उससे बोला, भाई अभी यहां जो हुआ उसके बाद मैं रिवा और उसकी मॉम को अभी ही अपने घर लेकर जा रहा हूं। प्लीज तू डैड से बात कर ले उनके लिए और मैं तुझे बाकी सारी डिटेल्स कल आकर देता हूं ऑफिस में। और ये कहते हुए उसने बिना वंश की बात सुने फोन काट दिया। वहीं इस बात को सुन वंश, जो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा चांद को निहार रहा था, वो खुद में बोला, अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो आज ही रिवा को लेकर जा रहा है? पर अब अंकल से भी बात करनी होगी। और ये सोचते हुए उसने अपने फोन पर सौरभ जी को फोन लगाया, जो कि दर्श के पिता थे। उनके फोन उठाते ही वो उनसे बड़े ही नर्म लहजे में कहता है, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हेलो वंश, मैं ठीक हूँ, तू बता कैसे याद किया आज मुझे? तो इस पर वंश उन्हें बताते हुए बोला, अंकल मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। और ये कहते हुए वो उन्हें रिवा और उसकी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुन उन्हें भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है और उसके मामा की फैमिली के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी वंश आगे कहता है, देखिए अंकल, वो लड़की बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक जब तक आप उससे पैसे नहीं लोगे। अपने मामा के घर तक में वो रेंट देने के लिए तैयार हो गई, तो आप तो फिर भी एक अजनबी हो उसके लिए, तो वो देगी, इसलिए आप प्लीज मना मत करना, क्योंकि वो किसी भी चीज के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर नहीं लगा सकती। ये कहते हुए उसकी आवाज में रिवा को लेकर एक गर्व और ना जाने कितने ही और अलग एहसास झलक रहे थे, जिसे महसूस कर सौरभ जी उससे बोले, 2 दिन पहले आई लड़की के बारे में इतना कुछ जान गए और उसके लिए आवाज में इतने एहसास झलक रहे हैं, कहीं मोहब्बत में तो नहीं पड़ गए तुम जनाब? और हल्का सा हंस दिए। उनकी बात पर वंश हड़बड़ा कर रह गया, पर अगले ही पल मुंह बनाते हुए बोला, अंकल एक तो आपका बेटा और एक आप, दोनों एक जैसे हो इस मामले में। मैंने बोल दिया मैं बस इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप दोनों तो बस इसी बात के पीछे पड़ गए हो, सच में एक जैसे हो दोनों बाप बेटे। इस पर सौरभ जी हंसते हुए बोले, ठीक है मैं नहीं पड़ता पीछे, वक्त अपने आप बता देगा। खैर आ जाने दो उन लोगों को और टेंशन मत लो, मैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करूंगा। और फिर 2-4 बातें कर उन्होंने फोन रख दिया। वही वंश वापस कमरे में आया और ड्रेसिंग वाले ड्रॉर से एक फोटो निकालते हुए बोला, मोहब्बत करने की गलती फिर नहीं कर सकता, एक बार बहुत कुछ मिला है इसकी वजह से, जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मोहब्बत उसी वक्त मुझे छोड़ गई, इसलिए अब मोहब्बत नाम के रिश्ते पर कोई भरोसा नहीं मुझे। और ये कहते हुए उसने उस फोटो को पलट कर वापस उस ड्रॉर में रख दिया। इस वक्त उसकी नजरों में ना जाने कैसे एहसास नजर आ रहे थे, एक अजीब सा दर्द झलक रहा था उन आंखों में, जिन्हें देख कोई भी कह सकता है कि ये हंसता मुस्कुराता इंसान अपनी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द कितना गम छुपाए बैठा है। फिर वो आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। वहीं इस तरफ कुछ ही देर में रिवा रीमा जी के साथ बाहर आई, तो उन्हें देखकर दर्श की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो खुद में बोला, हे भगवान, रिमा आंटी, ये है रिवा की मॉम। और ये कहते कहते उसकी आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपने मन में बोला, दुनिया इतनी छोटी कैसे हो सकती है, कभी सोचा नहीं था कि इनसे मिल पाऊंगा, सच में आज भी उतनी ही प्यारी लगती है जैसी तस्वीरों में लगा करती थी। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़कर आया और रिमा जी के पैर छूते हुए बोला, नमस्ते आंटी, मैं रिवा का भाई, पहले घर चले फिर आगे की बातें बताता हूँ मैं आपको। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं ना कहीं रीमा जी के डर को दूर कर रही थी। फिर रीमा जी और रिवा दोनों उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके घर अग्रवाल मेंशन के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, रीमा जी और रिवा की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि दर्श इतना अमीर इंसान होगा। तभी रिवा के मन में ख्याल आया, भाई के पास अपना इतना कुछ है तो फिर वो उस खड़ूस के पास काम क्यों करते हैं। लेकिन उसने उस वक्त ये पूछना सही नहीं समझा और अपना मुंह बंद ही रखा। फिर जैसे ही वहां गाड़ी रुकी, सबसे पहले दर्श बाहर आया, उसके साथ रिवा बाहर आई और फिर उसने रिमा जी को बाहर निकाला। दर्श उनके सामान को नौकरों को देते हुए बोला, अंदर ले जाओ और पापा से कहो कि अगर वो अपने स्टडी रूम में है तो जल्द से जल्द नीचे आए, उनके लिए एक सरप्राइज है। उसके कहने पर नौकर ने वैसा ही किया और ऊपर वाले स्टडी रूम में आकर सौरभ जी, जो कि अपने लैपटॉप पर लगे हुए थे, उन्हें देखते हुए बोला, सर दर्श सर आपको अभी के अभी नीचे आने के लिए बोले हैं और बोले कि आपके लिए कोई सरप्राइज है। तो ये सुन सौरभ जी को एक पल के लिए थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो अपना लैपटॉप बंद कर नीचे आने के लिए उठ खड़े हुए और खुद में बोले, अब कौन सा झटका देना चाहता है ये, चलो देखा जाए कि क्या सरप्राइज है।
फिर जैसे ही वो स्टडी रूम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आने लगे और उनकी नज़र रिमा जी पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए और वो बस हैरानी से उस ओर देखने लगे। फिर उन्होंने एक नज़र दर्श को देखा जो नम आंखों से हाँ में अपनी गर्दन हिला रहा था। वहीं रिमा जी भी उन्हें देखकर हैरानी से बोली, सौरभ सर आप? उनके मुंह से ये सुन रिवा उन्हें हैरानी से देखने लगी और उनसे पूछा, आप जानती हैं इन्हें माँ? कैसे जानते हैं रिमा जी और सौरभ जी एक दूसरे को? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।